क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ध्यान दो बेटा, कल जो पेपर दिया था उसमें असेंबली दाल की नहीं है। हाँ B2S6 ले ले, ठीक है BH3 लिख लेंगे, हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देंगे, पाई बोन को तोड़ देना और बोरोन जुड़ेगा तीनों एल्किल के साथ एक साथ, तो बनेगा CH3, CH2 हो जाएगा यहाँ और यहाँ हो गया CH2, और तीनों के साथ अपन जोड़ देंगे बोरोन को। जैसे इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड डालोगे H2O2, कितने मोल? 3 मोल। ऑक्सीजन के बीच में से टूटेगा बॉन्ड, तीन ओ एच अलग अलग होंगे, तो तीन तो जोड़ दो आप इस एल्किल ग्रुप के साथ, तीन दे दो बी को, तो तीन तो मिल गए बी को, तो H3BO3 बन गया, प्लस के अंदर तीन मिलेंगे इस एल्किल समूह को, तो तीनों एल्किल को तीनों एच देते ही बन जाएगा प्रोपेनॉल। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हाइड्रोबोरीकरण। जितने भी बच्चों ने किया ना अनुनादी संरचनाएं तो बनाना ही जरूरी नहीं समझा तुमने, अरे अनुनादी संरचना नहीं बना। जैसे ये दूसरा प्रश्न था फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, कि फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम अम्लीय है, तुम थ्योरी लिख रहे हो, ये कोई हिंदी का टेस्ट था क्या जो थ्योरी लिख रहे हैं? फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम अम्लीय क्यों है? फिनोल की अनुनादी बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी बनाएंगे, फिर लिख देंगे कि अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि फिनोल की अनुनादी संरचना में ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके कारण उसकी संरचना अस्थायी हो जाती है। समझ में आ गई बात ढंग से? या फिर फिनोक्साइड की बनाओ भाई, फिनोल अम्लीय का मतलब फिनोल हाइड्रोजन को त्याग देगा, बनेगा फिनोक्साइड, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल त्याग देगा तो बनेगा कार्बोक्सिलेट, तो कार्बोक्सिलेट की अनुनादी बनाओ। ये बनाते हैं अपन कार्बोक्सिलेट की, ये देखो ये ऑक्सीजन और यहाँ आता है नेगेटिव, अनुनादी बनाओगे तो ये इसको खींचेगा तो इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा RC, इधर हो जाएगा ऊपर सिंगल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन -4 और इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, फिर दोबारा ये खींचेगा तो ये वापस ले देगा ये वाली, तो लिखेंगे कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना में ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश द्विस्थानीकृत होता है। देखो एक बार यहाँ है तो एक बार उधर जा रहा, तो ऋणावेश है ऑक्सीजन के ऊपर जिसके कारण इसकी अनुनादी संरचना अत्यधिक स्थायी हो जाती है। समझ में आ गई बात ढंग से? अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व तो ज्यादा है, जबकि फिनोक्साइड की अनुनादी संरचना में कार्बन पे ऋणावेश था, वहां बेंजीन वाले पे देखा था ऋणावेश, ऑक्सीजन पे कोई आवेश नहीं था, इस कारण उसकी अनुनादी संरचना अस्थायी है, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में कम स्थायी। समझ में आ गई थी बात ढंग से? ये ध्यान रखना था, ठीक है? और एक सब ये लेट होते हैं एडमिट, बैठे रहते हैं आराम से, और तू तो यहीं से आती है फिर भी कितना लेट आती है। आज ही आई हूँ बस, जिस दिन कहो ना उसी दिन आज आई, तो मैंने क्लास तो 7:30 चालू की है। हाँ तो फिर हाँ भाई, और बोलो, और प्रश्न बोलो, कौन से में दिक्कत है? अरे कल के पेपर में किसी से संतुष्ट नहीं हूँ हिंदी मीडियम के एक भी पेपर से। महिमा कितने नंबर आए थे तुम्हारे कल के पेपर में? महिमा यादव कितने नंबर आए हैं कल के पेपर में तुम्हारे? फिर कह देगी मैडम मेरे पीछे पड़ी रहती है, बोल कितने नंबर आए थे तेरे? कितने आए थे निशा? 8। और महिमा 7:30 ये नंबर आने लायक है क्या तुम्हारे? अरे इतना समझा दिया, इतना पढ़ा दिया, फिर भी 7-8 नंबर आ रहे। कल नीट के पेपर में अभी जो एक इथर का प्रश्न करवाऊंगी ना, इथर वाले भाग में, उसमें से प्रश्न आया था कल नीट की एग्जाम में, पेपर देखना मैडम ने डाल रखा है पेपर, उसमें देखना, आज करवाऊंगी CO बंध विदलन। और बोलो किसको क्या समस्या थी? किसी ने अनुनादी अनुनादी संरचनाएं नहीं बनाओगे ना परीक्षा में 0 नंबर आएगा, पहले सुनो, ठीक है? कोई एक बेटा हिंदी का पेपर नहीं है जो थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने का किसी को टाइम नहीं है, ये सुन ले, अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे जब भी आपको नंबर मिलेगा, आज टाइम का बिल्कुल भी साथ नहीं। आ रही बात ढंग से समझ में? और बोलो किसी को कोई प्रश्न पूछना है? नहीं पूछना तो अपन इथर कंप्लीट करके एल्डिहाइड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज बार बार, बोले फटाफट। और कोई स्टूडेंट जिसको कुछ समझना है? अरे एल्कोहल फिनॉल में महिमा 5वां प्रश्न,
एथेनॉल से मैथेनॉल बनाने का रासायनिक समीकरण कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या है, अवरोहण है क्या आरोहण है? अवरोहण है। एथेनॉल से क्या बना रहे हैं अपन? मैथेनॉल। तो मैंने सिखाया तो था बेटा तुम्हें, भूल जाते हो बस तुम। CH3CH2OH, ये इसका करवा दो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ध्यान दो, यदि तुम प्रबल ऑक्सीकरण करवाओगे दोनों हाइड्रोजन हट जाएगी, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन लग जाएगी। जब तो तुम यहाँ लगा देना कोई प्रबल ऑक्सीकरण जैसे KMnO4, और यदि कुछ नहीं लगाते हो तो दो बार ऑक्सीकरण होगा। जैसे पहले इस एल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड से क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। और यदि एक ही पद में करवाना चाहते हैं प्रबल ऑक्सीकारक लगा दो, ये लो ये बन जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगी यहाँ से, H2O बाहर और डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीजन लग जाएगी। अब इसका क्या करना है अपने को, गर्म करना है इसको, इसकी उपस्थिति में सोडा लाइम की उपस्थिति में ये CO2 गैस बाहर चली जाएगी, बच जाएगा CH3H, इसका करवा देना क्लोरीनीकरण। HBO की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करवाते हैं, यहाँ की हाइड्रोजन चली जाएगी, बन जाएगा CH3Cl। अब CH3Cl से ध्यान दो OH कैसे लगाना है, जलीय KOH से अभिक्रिया करवा दो इसकी, तो KCl तो बाहर चला जाएगा, बन जाएगा CH3OH। क्या जोर आता है बताओ, कितना सरल। ठीक है, और बोलो, और कोई प्रश्न में समस्या है, फटाफट बोल दिया करो, ऐसे कोई दिक्कत हो, ऐसे एक दूसरे के मुंह ताकते मत रहा करो, पूछे कि नहीं। ये तो है नहीं कि यहाँ कंप्यूटर में घुस के तुम लोगों को मारूंगी कि ये क्या प्रश्न पूछ रहे। 1 से 10 में किसी में भी प्रॉब्लम है पूछ ले फटाफट, पूछना है किसी को पढ़ेंगे जब पूछेंगे ना, ये कहीं तो क्या कॉपी भेजना ही जरूरी नहीं समझते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान देंगे बेटा, अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। इथर निर्माण की विधि करवा दी थी पूरी, भौतिक गुण हो गया था, इथर का भौतिक गुण हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। ध्यान दो इथर के भौतिक गुण, इथर जल में क्या होंगे बेटा, अविलय। कारण ध्यान से सुन ले, क्यों इथर क्या होता है, ROR होता है, ROR। तो इथर के पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो जल के अणु के साथ क्या नहीं बना सकता, ये हाइड्रोजन बंद नहीं बना सकता। आ गई बात अच्छे से समझ में, इथर हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता जल के अणुओं के साथ, इस कारण इथर जल में क्या होते हैं, अविलय। समझ गए, गलनांक पंतनांक के लिए पढ़ेंगे तो इथर के गलनांक पंतनांक ध्यान से सुन ले क्या होते हैं, उच्च होंगे निम्न होंगे? अरे जब ये जल के अणुओं के साथ ये हाइड्रोजन बंद नहीं बनाते तो खुद के अणुओं के साथ में भी हाइड्रोजन बंद नहीं बनेगा, तो जल गलनांक पंतनांक और विलयता सदैव हाइड्रोजन बंद के कारण बढ़ती है। समझ में आ रही है बात अच्छे से, तो गलनांक पंतनांक भी कम होंगे। दूसरी बात आ जाओ बंद की बात करते हैं, अब सुने ध्यान से, बंद मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि दोनों एल्किल समूह की परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण, देखो यहाँ पर R बराबर कुछ मान लो, अपने कोर्स में ध्यान दो जितनी भी अभिक्रियाएं अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं वो डाइएथिल ईथर की है कोर्स में, तो यहाँ जैसे तुमने डाइएथिल ईथर की संरचना मान ली है, बताओ कौन सा संकरण दिख रहा है तुम्हें इस कार्बन परमाणु पे, sp3 दिख रहा है, तो sp3 संकरण के हिसाब से बंद कोण का मान 109° 28' होना चाहिए, लेकिन बंद कोण का मान कितना होता है, 110°। तो क्यों होता है ध्यान से सुन लो, क्योंकि इथर में देखो इसमें भी sp3 संकरण है, एल्कोहल में भी sp3 है, पर एल्कोहल में तो बंद कोण का मान 109° से कम होता है और इसमें 109° से ज्यादा होता है, क्योंकि वहां मैंने तुम्हें पहले बताया था छोटे आकार की कौन होती है वहां, हाइड्रोजन। ये लोन पेयर इसको प्रतिकर्षित करते हैं तो बेचारी प्रतिकर्षित होकर के R के पास पहुंच जाती है, इस कारण ये दूरी क्या हो जाएगी, ये कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि यहाँ कौन है, R है दोनों तरफ, दोनों तरफ एल्किल समूह है, एल्किल एल्किल दोनों पास नहीं आएंगे क्योंकि दोनों प्रतिकर्षण दर्शाएंगे, इस कारण एल्कोल्स में उस धक्के को सहन करने की क्षमता भी है,
ठीक है, आर में हाइड्रोजन को छोटे आकार के, इस कारण वो तो क्या करती है, प्रतिकर्षण सहन नहीं कर पाती। एल्किल समूह की परस्पर अन्योन्य क्रिया शब्द लिखा हुआ है किताब में, पढ़ो ध्यान से, ध्यान दो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 240 पे देखो बेटा, सभी 109 डिग्री 28 मिनट ना हो करके लिखा हुआ है 110 डिग्री, और लिखा हुआ है एल्किल समूहों के बीच प्रतिकर्षण के कारण ऐसा होता है, समझ गए। दोनों तरफ आर होने से दोनों क्या दर्शाएंगे बेटा, प्रतिकर्षण दर्शाएंगे। आर ये बात ढंग से समझ में, दिक्कत है किसी को, नेक्स्ट ध्यान दो, ठीक है कर लेंगे। और ये देखो नीचे लिखा हुआ प्रतिकर्षण के अंतःक्रिया बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए अंतःक्रिया बढ़ेगी तो दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो बंध कोण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ गए। ईथर को एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं, ईथर को सदैव ध्यान देंगे रंगीन बोतलों में, ये भी अपने आएगी अभिक्रिया जब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, ईथर को हमेशा कलरफुल कलरफुल बोतल के अंदर ही रखा जाता है, लैब में देखेंगे ना तो ईथर आपको कलरफुल बोतल में दिखेगा, रंगीन बोतल के अंदर, क्यों, क्योंकि ईथर क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से और वायु से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके परोक्साइड बनाता है। अभी अभिक्रिया करवाएंगे अपन जब ऑक्सीजन से क्रिया होगी, जब देखना, तो ये परोक्साइड बनाएगा, वो परोक्साइड विस्फोटक प्रकृति का होता है, समझ गए, ऐसे बम की तरह फट जाएगा। अगर कलरलेस बोतल, जैसे तुम आजकल देखते हो खांसी जुकाम की या कोई भी दवाइयां देखते हो आजकल कलरफुल बोतल में आती है ना, कलरलेस में नहीं आती, ठीक है, सफेद बोतल में नहीं आती, सब आजकल रंगीन बोतलों में आने लगे, क्यों, क्योंकि अपन मान लो खिड़की में रख के भूल जाएंगे, तो रंगीन बोतल के अंदर सूर्य का प्रकाश सीधा अंदर घुसेगा, जबकि कलरफुल बोतल के अंदर प्रकाश सीधा प्रवेश नहीं कर सकता। अगली बार ढंग से समझ में, और प्रकाश की उपस्थिति के अंदर कई दवाइयां वगैरह है, अपना ये इतर है, ये ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और विस्फोटक पदार्थ जहरीला पदार्थ बनाता है। और ध्यान दे, ईथर को बेहोशी के रूप में, बेहोश होते हैं ईथर की वाष्प को यदि अपन सूंघ लेते हैं तो बेहोशी उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको निश्चेचेतक के रूप में यूज में लिया जाता है, मतलब बेहोशी उत्पन्न करने के लिए अपन ईथर को काम में लेते हैं। आ गई बात, जैसे क्लोरोफॉर्म यूज में लिया जाता है, ठीक वैसे ईथर बेहोशी उत्पन्न करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ईथर के रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुण में बेटा चार अभिक्रिया है। उस दिन लाइट चली गई थी जब तुम्हारी क्लास हुई मिलती इंग्लिश मीडियम में, इतर पूरा हो गया, मैंने रिकॉर्डिंग उस रिकॉर्डिंग भेजी थी, उस रिकॉर्डिंग में देख लेते इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के साथ ही तो भेजी थी उससे। हाँ भाई देखो, चार रासायनिक अभिक्रियाएं इतर की कौन कौन सी है समझो, देखते जाओ इतर पता होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहली अभिक्रिया ये आर की, जिसे अपन बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ध्यान दो बहुत ही सरल सरल अभिक्रिया है, इसकी इतर छोटा सा है, इतर का प्रश्न ध्यान से समझ ले, ये मैंने पढ़ाया था मुझे जहां तक याद है, नहीं पढ़ाया अभी, चलो वो इंग्लिश मीडियम को पढ़ाया था जो मुझे याद है। दूसरी अभिक्रिया, ये पहली अभिक्रिया हो गई, दूसरी अभिक्रिया होगी ऑक्सीजन के लोन पेयर की अभिक्रिया, लोन पेयर दिख रहे हैं ऑक्सीजन के पास, कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर। तीसरी अभिक्रिया ध्यान दो बेटा, ये वाला बंद टूटेगा, आर ओ बंद विदलन या सी ओ बंद विदलन की अभिक्रिया, सी ओ बंद विदलन अभिक्रिया। और चौथी अभिक्रिया आती है अन्य अभिक्रिया के नाम से, कोई बच्ची पूछी, ठीक है। पहली अभिक्रिया ध्यान दो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ढंग से समझे इसको, क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अपने पास एक ही उदाहरण है केवल सब में, डाइएथिल ईथर वाला, डाइएथिल ईथर, इसको कहते हैं डाइएथिल ईथर, ध्यान देंगे एक ही अभिक्रिया है इसमें, वो है हैलोजनीकरण के नाम से। जब ईथर का हैलोजनीकरण ध्यान देंगे, देखो जहां ऑक्सीजन जुड़ी है, ध्यान दो बेटा सभी बच्चे, जहां ऑक्सीजन जुड़ी है उसके पास वाले कार्बन को अपन क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, और उस अल्फा से जुड़े हुए कार्बन को कहा जाता है बीटा कार्बन, समझ में आ रही है बात। दोनों तरफ जो कार्बन जुड़े हुए हैं वो अल्फा ही है, अल्फा कार्बन कहते हैं। अब जैसे ध्यान दो इस उदाहरण में, और अल्फा कार्बन से जितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई होगी वो सब हाइड्रोजन कहलाएगी अल्फा हाइड्रोजन, समझ गए। ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े बीटा, बीटा से जुड़े गामा,
अल्फा की हाइड्रोजन दोनों तरफ कितनी हाइड्रोजन दिख रही है तुम्हें? क्या समझ में आ गई बात ढंग से? जैसे एक उदाहरण और लो, जैसे ये लिख दिया मैंने CH3, ओ CH2CH3। बताइए यहाँ इस दूसरे उदाहरण में कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? बताओ दूसरे उदाहरण में कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, फटाफट बता दो। पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बताओ कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? नरेश 2, महिमा 2, समझ गए क्या सभी? अरे ये ऑक्सीजन रही, ये अल्फा रहा, इसके पास एक भी हाइड्रोजन दिख रही है क्या? नहीं, अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन, ये रही अल्फा, कितनी है? 2। समझ गए, बिल्कुल सही है बेटा। अल्फा से जुड़े हुए ये सारे बीटा कार्बन है, ये भी बीटा है, ठीक है? तो बेटा आपको करना क्या है, आपको अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करना है। किससे करना है? हैलोजन से। तो इसमें दो क्रियाएं करनी है, एक तो अपन करवाएंगे अंधेरे में और एक करवाएंगे प्रकाश की उपस्थिति में। क्या फर्क पड़ता है ध्यान दो, मैंने क्लोरीनीकरण करवाया अंधेरे में, तीर के निशान पे लिखा हुआ है कि यदि क्लोरीनीकरण अंधेरे में हो रहा है, डार्क में, लाइट की अब्सेंस में, तो ध्यान दो प्रकाश की अनुपस्थिति में होगा, तो दोनों में से एक तरफ की अल्फा की एक ही हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगी। इधर की भी कर सकते हो, इधर की भी, केवल एक ही होगी। तो मान लो मैंने जैसे उधर की कर दी, तो तुम्हारे पास बन जाएगा, एक हाइड्रोजन चली गई तो सी एच रह गया, उसकी जगह लग गया सी एल, एस सी एल बाहर चला गया, प्लस ओ आ गया, ये सी एच टू सी एच थ्री, क्या बन गया? एल्फा हेलो। कौन सा हेलो है? क्लोरो है, तो नाम हो जाएगा एल्फा क्लोरो डाइएथिल ईथर। समझ गए? यदि दोबारा इसका क्लोरीनीकरण करवाया अंधेरे में, तो ध्यान दो बेटा दूसरी तरफ का अल्फा, जैसे इसको अल्फा कह रहे हो उसको अल्फा डैश कह देते हैं, तो दूसरी तरफ की अल्फा हटानी है, इधर की नहीं हटेगी, दोनों एक बार एक तरफ की हट गई तो दूसरी बार दूसरी तरफ की हटेगी। यदि दूसरी तरफ नहीं है हाइड्रोजन तो फिर एक तरफ की हटेगी, पर हटेगी केवल अल्फा की। समझ गए? आ गई बार ढंग से समझ में? उधर की हटा दो अल्फा, तो हटाते ही तुम्हारे पास बन जाएगा अल्फा, अल्फा उसको क्या कह दू बेटा? डैश, अल्फा डैश कह दू, ये अल्फा डैश, ये अल्फा, अल्फा डैश डाई क्लोरो डाइएथिल ईथर, ये नाम हो जाएगा। समझ गए? अब अपन करवाते हैं ये कि अभिक्रिया, यदि मैं तीर के निशान पे अंधेरे की जगह लिख दू सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब HNU कहते हैं अपन सूर्य के प्रकाश के लिए। अब बोलो प्रकाश की उपस्थिति में होगी, तो ध्यान से सुन लो, किसी भी ईथर में जितनी भी हाइड्रोजन होगी, जितनी हाइड्रोजन का मतलब चाहे वो अल्फा की हाइड्रोजन हो, चाहे बीटा की हाइड्रोजन हो, चाहे गामा की हाइड्रोजन हो, वो सारी हाइड्रोजन एक साथ क्या हो जाएगी? हट जाएगी। समझ गए ढंग से? गिनो, देखे डाइएथिल ईथर में कितनी हाइड्रोजन दिख रही है? 3, 2, 5, 5 और 5 10, तो 10 Cl2 लगा लो यहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सारे के सारी हाइड्रोजन हट जाएगी, सब हाइड्रोजन की जगह यहाँ कितने सीएल लग जाएंगे? 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन हटी ना, देखो यहाँ से, यहाँ कितने लगेंगे? 2, ये लग गए 2, यहाँ पर भी 2 लग जाएंगे और यहाँ पर 3, और प्लस में कितने HCl बाहर जाएंगे? 10 HCl। अगली बार समझ में ना, बोलो क्या हो जाएगा इसका? देखना, ये क्या है? अल्फा कार्बन। ये कौन सा है? बीटा। ये अल्फा डैश, और ये देखो अल्फा डैश, अल्फा पे लो, अल्फा पे कितने सी एल है? 2, तो अल्फा अल्फा यही लिखोगे, कॉमा, अल्फा डैश पे भी कितने हैं? 2, अल्फा डैश कॉमा, बीटा पे कितनी है? 3, बीटा बीटा बीटा, फिर कॉमा, बीटा डैश बीटा डैश बीटा डैश, कितने हो गए टोटल? 10। डेका क्लोरो डाइएथिल ईथर, समझ गए ढंग से? डेका क्लोरो का मतलब 10 क्लोरो, ठीक है? डाइएथिल ईथर, ये इसका UKC नाम हो जाएगा। ये पहली अभिक्रिया कंप्लीट हो गई एलोजनीकरण अंधेरे में और प्रकाश की उपस्थिति। समझ गए? अब अपन चलते हैं दूसरी अभिक्रिया में,
ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया। अब इस लोन पेयर वाले में तुम समझोगे, प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में, ईथर को रंगीन बोतलों में सदैव क्यों रखा जाता है, कलरफुल बोतल में ही क्यों रखते हैं ईथर को, उसका प्रश्न आंसर तुम्हें यहाँ बताओगे क्यों रखा जाता है। क्योंकि देखो होता क्या है, मैंने लिख लिया आर ओ आर, एक बार आर ओ आर, ये रहे लोन पेयर। होता क्या है बेटा, ईथर ऑक्सीजन या ओजोन, ओजोन से भी एक सिंगल ऑक्सीजन का आइटम निकलेगा बाहर। ओजोन किस रूप में टूटता है, पहले सातवें पार्ट में पढ़ाया था ना, ओ टू प्लस नवजात ऑक्सीजन ओ में, और ऑक्सीजन से ओ टू से भी ऑक्सीजन का परमाणु निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन का परमाणु ध्यान दो, अब ऑक्सीजन के परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह, वो छह इलेक्ट्रॉन लाएगा और यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। लोन पेयर का मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये बीच वाली ऑक्सीजन देगी, समझ गए। तो यहाँ से सिंगल ऑक्सीजन का परमाणु निकलेगा और कौन से बंध से जुड़ेगा, उपसह संयोजक बंध से, अपने छह इलेक्ट्रॉन अपने पास, छह इलेक्ट्रॉन का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है बंध के लिए, किसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, लोन पेयर ले लिया ऑक्सीजन, बच गया एक और लोन पेयर, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या कहते हैं अपन इसको, परोक्साइड, क्या बन गया बेटा ये परोक्साइड बन गया, ये परोक्साइड बन जाता है, इसी कारण अपन इसको क्या करते हैं, कलरफुल बोतल के अंदर रखते हैं। समझ में आ गई क्या बात, ढंग से पूछ लेगा प्रश्न तो वो कल की तरह का पेपर का आंसर मत देना। तुम्हारे क्लास में किसी के 10 में से 10 नंबर नहीं आए, इंग्लिश मीडियम मैथ में दो तीन बच्चों के 10-10 में से 10 नंबर आए, और तुम उनकी कॉपियां देखो इतना शानदार आंसर दिया है, हिंदी मीडियम में किसी के नहीं आए 10 नंबर, समझ गए। तो ध्यान से मेरी बात सुन ले, इथर को सदैव कलरफुल बोतल में क्यों रखा जाता है, प्रश्न पूछ लो हिंदी की तरह, ये व्याकरण की तरह पेज मत भरा करो, जैसे व्याख्या कर रहे हो ऐसे लगता है तुम्हारी कॉपी को देख के, ये आंसर लिखेंगे पहले तो ये अभिक्रिया, फिर कह दिया परोक्साइड, लिख देंगे स्पष्ट हो रहा है कि ईथर वायु से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, परोक्साइड बना लेता है जो कि विस्फोटक प्रकृति का होता है। समझ में आ गई क्या बात, ढंग से, ये हो गई लोन पेयर की। अब अपने तो वो एक अपना उदाहरण है, कौन सा, डाइएथिल ईथर, उसके साथ परोक्साइड बनाना है, ये तो आर था आर, अब आर की जगह वो डाइएथिल वाला उदाहरण ले लेते हैं अपन, ये रहा डाइएथिल वाला उदाहरण, इसकी करवाते हैं अपन ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ध्यान देंगे कैसे जोड़ेंगे, सुन लो पहले, ये बात मैंने तुम्हें इससे पहले क्यूमीन में सिखाई थी क्या, क्यूमीन में याद है क्या, क्यूमीन का कल प्रश्न दिया था मैंने, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपिल का योग क्यूमीन कहलाता है, तेरा तो शायद ये भी प्रश्न गलत था, सही नहीं था, तूने हाइड्रोपरोक्साइड गलत बनाया, जहां तक मुझे ये देख, ये सी और एच के बीच में क्या जुड़ता है बेटा, ऑक्सीजन, दिखाऊंगी मैं अभी देखना क्लास के बाद, तो इसमें भी सी और एच के बीच में तुम्हें क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़नी है दोनों, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, चाहे इधर वाली अल्फा के बीच में जोड़ दो चाहे उधर, मान लो उधर जोड़ रहे हैं, तो देखना क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच टू तो ऐसे की ऐसे रह गया, ये ऑक्सीजन ऐसे की ऐसे रह गया, समझ गए। अब यहाँ लगाना है तुम्हें, तो मैंने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया, समझ गए, और इस ग्रुप को मैंने ऐसे रख लिया, इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लो, एक मिनट रुकना, सी एच, सी एच लिख लूं इसको, इस मिथाइल ग्रुप को ऊपर रख लो और यहाँ लगाओ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन, हाँ ये देखो, मान लो मैंने इस तरफ लगा दिया, इस तरफ लगा लेते हैं अपन, ठीक है किधर भी लगा लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक समूह को बाहर निकाल लो किधर के भी दोनों तरफ के, एक हाइड्रोजन निकाल लो इसमें से, और हाइड्रोजन निकाल ली, जैसे मान लो यहाँ के हाइड्रोजन हटा दी, ठीक है, और हाइड्रोजन हटा करके इस वाले समूह को, फिर ऐसे वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी क्या, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो रही है क्या, देखिए देखते हैं, ठीक है अपन, कार्बन की संयोजकता ज्यादा नहीं हो जाए, ये सी एच टू ले लिया अपन ने और ये लगा दिया मैंने, नहीं सही है, नहीं होगी, यहाँ तो लगाना ही नहीं है ना आपको, ओ टू लिया है मैंने, दोनों ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ के हाइड्रोजन के साथ जोड़ना,
देखो ये चीज मैंने यहाँ वाली चेक करना, ऐसे की ऐसे बनाई है, कुछ ही चेंज नहीं किया ना, सी एस थ्री फोर सी एच टू ओ, समझ गए? अब ध्यान दो, ऑक्सीजन ओ टू जो है, जैसे अपन यहाँ ओ टू लिखते थे क्यूमीन वाले उदाहरण में, समझो उस ओ टू को अपन कार्बन और किसके बीच में जोड़ते थे, हाइड्रोजन के बीच में, ठीक वैसे इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में जोड़ना है। तो देखो मैंने क्या किया है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन रख ली, यहाँ लगा दिया तुम्हारा सी एस, समझ में आ गई बात? इस हाइड्रोजन को तुम्हें समझाने के लिए मैं लिख लेती हूँ नीचे, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल ली इसमें से, अब तुम्हारा जोड़ो जो ओ टू से क्रिया करवाई है वो ओ टू, ये लगा दिया ओ टू, ठीक है? और बचा क्या तुम्हारे पास, यहाँ वाला एच, बताया था मैंने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या जोड़नी है, ऑक्सीजन जोड़नी है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को लगाना है, किसी भी अल्फा को ले लेना दोनों तरफ में से, और दोनों तरफ की अल्फा में एक हाइड्रोजन को तो संयोजकता पूरी करने के लिए इधर रख लो, और बची एक हाइड्रोजन सी एच टू में, दो हाइड्रोजन है, एक को संयोजकता पूरी करने के लिए कार्बन के साथ लग जाएगी, फिर जोड़ो ओ टू को, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर लगाओ एच, ये क्या बन गया, ये है हाइड्रो परोक्साइड। समझ में आ रही है बात, एथिल के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो इस तरीके से हाइड्रो परोक्साइड के रूप में आप लोगों को जोड़ना है। अब देखो बेटा ध्यान दो, ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी, ये क्या है आईयूपीएसी नाम बता सकते हैं क्या इसका, इधर वाला क्या है ये एल्कोक्सी बोलते हैं, कौन सा एल्कोक्सी है ये, एकोक्सी है, कितने नंबर पे है देखो, वन टू यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो टू के ऊपर क्या है एकोक्सी, और वो क्या है एथिल, ये दो कार्बन का एथिल, और ये हो गया हाइड्रो परोक्साइड, तो टू एथोक्सी हाइड्रो परोक्साइड, समझ गए ये बन गया हाइड्रो, लेकिन एक मिनट ध्यान दो, हाँ नंबरिंग इधर से ही होगी, हाइड्रो परोक्साइड, ठीक है। अब देखो ये हो गया ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण अभिक्रिया दूसरे नंबर की कंप्लीट, अब आ जाओ तीसरे नंबर की अभिक्रिया, एक और सुने ध्यान से, लोन पेयर वाली अभिक्रियाओं में छोटे छोटे से उदाहरण और दिए हुए हैं, जैसे कि तुमने इस CH3CH2O CH2CH3 इसकी अभिक्रिया मान लो H2SO4 से करवा दी, तो H2SO4 के किसको ग्रहण कर लेगा बेटा, ये H प्लस को, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये देखो ये लोन पेयर, H प्लस को ग्रहण करते ही कौन सा आयन बनेगा, ऑक्सोनियम आयन, और HSO4 माइनस रह जाएगा बाहर की तरफ, समझ में आ गई बात? ऐसे ही यदि तुम HCl से अभिक्रिया करवाओगे तो ये H प्लस को यहाँ ग्रहण कर लेगा, ये लो ग्रहण कर लिया, और Cl माइनस क्या रह जाएगा, बाहर की तरफ रह जाएगा, समझ में आ गई बात? ऑक्सीजन पे चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव, सब में क्या बन जाएगा, ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, यदि किसी भी अम्ल से आप इसकी क्रिया करवाते हैं तो ऑक्सीजन के लोन पेयर उस अम्ल के H प्लस को क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, आ गई बात ढंग से समझ में, ठीक है। ये इथर का मैं PDF नहीं भेजूंगी, इथर को बुक में से ही करना है, समझ गए, इथर में कोई थ्योरी नहीं है कुछ भी। अब तीसरी अभिक्रिया आ जाओ, CO बंध विदलन, ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, इसी का प्रश्न है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, नीट के एग्जाम में आया था, ठीक है, इसी का प्रश्न आया था, फिर अभी देखना करवाती हूँ, नीट के पेपर में कल के में आया हुआ है, क्या है समझो, विदलन सीखो, ROR पहली अभिक्रिया मैंने करवाई है HX से क्रिया, यह प्रश्न आया था, ध्यान देंगे बेटा दोनों तरफ, अभी तो R ग्रुप समान है, तो तुम कहीं इधर से बंद तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज जाएगा, माइनस, तो इसको क्या मिल जाएगा H, और इस R को क्या मिलेगा X, तो बनेगा ROH प्लस HX, यदि इथर सममित है, ध्यान दोगे यदि सममित इथर है तो बंद किधर से भी तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरफ H चला जाएगा एक तरफ X चला जाएगा, मतलब एक बाग में अल्कोहल बन जाएगी, एक तरफ क्या बन जाएगा RX बन जाएगा, HX थोड़ी बनेगा, इस R को मिलेगा X, समझ गए? लेकिन यदि इतर है सममित हुआ तो कौन से तरफ का बंध टूटे उस बात को समझो, इधर ध्यान से सुन ले, ये प्रश्न निम्नलिखित को पूर्ण करे समीकरण को, ये मान लो टर्सरी है, ये O लगा दिया और ये मैंने लगा दिया CH3 प्लस HX, बेटा खुद ही दिमाग लगा लिया करो, सिर्फ दिमाग लगाने का खेल और कुछ नहीं, ध्यान से सुन ले, यदि ROR में
कौन सा एल्किल समूह हुआ थ्री डिग्री हुआ, ध्यान से सुनिए, केवल और केवल कैसा हुआ थ्री डिग्री हुआ, समझ गए, जब तो हमेशा ध्यान दे थ्री डिग्री की तरफ वाला बंद टूटेगा सदैव। अब की बार सीओ बंद ये वाला तोड़ू कि ये वाला, खुद ही फायदा देख लो, यदि मैं ये वाला बंद तोड़ू तो इस कार्बन पे आएगा प्लस, तो कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, वन डिग्री, और यदि मैं वो वाला सीओ बंद तोड़ू तो कौन सा डिग्री बन रहा है, थ्री डिग्री, इसीलिए बंद सदैव कौन सा टूटेगा थ्री डिग्री की तरफ वाला, समझ गए। थ्री डिग्री की तरफ टूटते ही यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स लग जाएगा, समझ में आ गई बात, आ गई ना ढंग से, कि यदि थ्री डिग्री हो ना, केवल और केवल ध्यान से सुन लो, थ्री डिग्री हो उसी तरफ से सीओ का बंद टूटेगा, समझ में आ रही है, जब तो तुम्हारा बनेगा उधर वाला बंद टूटते ही बेटा इसको तो क्या मिल जाएगा एक्स, क्योंकि इधर से बंद टूटेगा तो कार्बन पे प्लस आएगा तो उसको क्या मिलेगा एक्स माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस सी एच थ्री, क्या हो जाएगा ओ एच, आ गया बंद विघलन करवाना। यदि ये नहीं हो, अब देखना दूसरे उदाहरण में, किताब के पेज नंबर बता देती हूँ 241 242, आज घर पे हल करेंगे ईमानदारी से, यदि केमिस्ट्री सीखना चाहते हो, अब देखना मैंने क्या परिवर्तन कर दिया, ध्यान दो, अब लिख दिया एच एक्स, ध्यान दो, अब बताओ बंद किधर से टूटेगा, दोनों तरफ सीओ लिखे हुए, सबसे पहला काम होना चाहिए ये देखा करो कौन सा कार्बोकेटायन है, यदि मैं इधर से तोड़ू तो कौन सा है वन डिग्री, यदि मैं इधर से तोड़ू तो ये कौन सा है टू डिग्री, तुम क्या सोचोगे, ध्यान दो, मैडम ने ये कहा था यदि थ्री डिग्री होना जब भी तोड़ना है, यदि यहाँ कौन सा डिग्री होता थ्री डिग्री होता जब तो ये इधर से टूट जाता, परंतु ये थ्री डिग्री नहीं है, ये कौन सा है टू डिग्री है, तो कभी यहाँ से नहीं टूटेगा, सोचे जब छोटे वाले समूह की तरफ से टूटेगा, ये रहा छोटा कार्बन, कम कार्बन वाले को सदैव क्या मिलेगा एक्स मिलेगा, छोटे एल्किल समूह की तरफ एक्स जुड़ेगा और बड़े वाले समूह की तरफ ओ एच जुड़ेगा, समझ में आ गई ना बात, अच्छे से आ गई, ढंग से समझ में, क्योंकि ये बेटा ये टू डिग्री एल्कोहल है, ये इधर बनेगा, इधर बनने पे ओ एच मिलेगा इसको एच, वो टू डिग्री एल्कोहल बनेगी, तो इसलिए वन डिग्री की अपेक्षा टू डिग्री का स्थायित्व ज्यादा होगा, इसलिए बंद छोटे वाले समूह की तरफ, समझ में आ रही है ना ढंग से बात, यदि थ्री डिग्री हो तो ही सुन ले, थ्री डिग्री में अभिक्रिया थ्री डिग्री कार्बोकेटायन बनता है इधर, और थ्री डिग्री कार्बोकेटायन बनते ही एक्स माइनस उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, अभिक्रिया होती है SN1 क्रिया विधि, तो जानते हैं क्या SN1 SN2, दसवें लेसन में पढ़ाऊंगी, ये दसवें लेसन में आएगा SN1 अभिक्रिया, दो चरणों में होगी, प्रथम चरण में ये CO बंद टूटेगा, टूट करके कार्बोकेटायन बन जाएगा, समझ गए, क्योंकि सी और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन खींचे जाएगी इलेक्ट्रॉनों को, कार्बन को प्लस दे देगी और इधर से एक्स माइनस आक्रमण कर देगा दूसरे पद में, तो ये सी एक्स बन जाएगी, जबकि यहाँ पर क्या होता है अभिक्रिया होती है SN2 क्रिया विधि से, SN2 का मतलब एक ही पद में दो काम होते हैं, इधर से तो ये बंद टूटता जाता है और उधर से एक्स माइनस पीछे से क्या करता जाता है आक्रमण करता जाता है, अब तुम खुद ही देखो एक्स माइनस खड़ा खड़ा देखेगा कि रास्ता किधर से छोटा है जाने में, इधर जाऊंगा तो दो पहरेदार खड़े हैं और इधर जाऊंगा तो छोटी छोटी कौन है हाइड्रोजन, तो रास्ता ज्यादा साफ किधर है इधर है, इसलिए वो किसके ऊपर आक्रमण कर देगा CH3 पे, समझ गए, SN2 क्रियाविधि एक ही चरण में होती है, इधर से बंद टूटता है पीछे से आक्रमण करता है, जबकि SN1 दो पदों में होती है, पहले बंद टूटता है फिर एक्स आक्रमण करता है, तो बेटा ये चीज रट लो अपने दिमाग में कि, और यही कल देखना था नीट के पेपर में और कुछ नहीं करना था, कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखना यदि थ्री डिग्री हो जब तो थ्री डिग्री की तरफ से बंद टूटेगा, और यदि थ्री डिग्री नहीं बनता तो सदैव जिधर से कार्बन कम है छोटे वाले समूह की तरफ से बंद टूटेगा, समझ में आ गई ना बात, ठीक है, अब समझ में तो कितनी आई, वो आज पढ़ोगे जब पता चलेगा, अब मैं नीट का क्वेश्चन बता दूंगी, वो था एनिसोल की HX से क्रिया पे क्या बनेगा, किसको कहते हैं एनिसोल, बेंजीन वाला जानते हैं, उसके ऊपर OCH3 इसका नाम होता है एनिसोल, ठीक है, इसके ऊपर HXC क्रिया से बनने वाला उत्पाद होगा, चार ऑप्शन दिए हुए थे, खुद ही देख लो,
ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखे, मैडम ने कहा था ये तो 3 डिग्री हो तो उस तरफ से बंद टूटेगा, नहीं तो फिर छोटे वाले की तरफ से। ये कौन सा कार्बन है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से। कौन सा है ये? 2 डिग्री। और ये कौन सा है? 1 डिग्री। बताओ किधर से टूटेगा बंद? बोलो, बंद ऊपर से टूटेगा कि नीचे से? 1 डिग्री से कि 2 डिग्री से? आंसर लिखो, एक से टूटेगा कि 2 से?